तो हाय फेलो स्टैंगोइस, तो गाइस गेम में आने वाले हैं कुछ काफी कमाल के अमेजिंग फीचर और सबसे बड़ी बात गेम में बहुत टाइम के बाद आने वाली है कुछ नई अचीवमेंट्स और नए रिवॉर्ड्स। रिडीम सेक्शन में भी काफी कमाल के चेंजेस आने वाले हैं, नई चीजें ऐड होने वाली हैं। ये सारे के सारे नई फीचर और चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। एंड आज के दिन पबजी वर्ल्ड 2.7 का अपडेट ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, तो देखेंगे गेम में क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि वही चेंजेस हमें बीजीएमआई में कुछ ही टाइम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ कमाल के चेंजेस हैं जो देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैंने खुद देखा, बहुत मजा आया। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेम के अंदर बहुत ही जल्दी आने वाली है ड्रैगन बॉल की कोलैबोरेशन। आई नो आप लोग इसके बारे में देख चुके हो काफी और वीडियोस में YouTube में, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग अलग चीजें देखेंगे जो ऑफिशियली गेम के अंदर आ चुकी हैं, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हैं देखने के लिए। इसमें लीक्स नहीं होंगी, एक्चुअल में जो चीजें गेम में आई हैं वो हम लोग देखेंगे। गेम के अंदर दो स्पेशल मोड आने वाले हैं, जिसमें से एक मेन हमारा मोड रहने वाला है जो कि ड्रैगन बॉल सीन का होगा, जिसको हम लोग इरेंगल, लिविक और सेनोक के अंदर खेल सकते हैं। एक्चुअली ये मोड काफी ज्यादा तबाही वाला है, लेकिन अभी तक आप लोगों को सिर्फ इसी मोड के बारे में पता होगा। लेकिन गेम के अंदर एक और सेकेंडरी मोड भी आएगा जिसका नाम ड्रैगन बॉल आर्केड मोड। बेसिकली इस वाले मोड के अंदर हम लोग एक्चुअली ड्रैगन बॉल के करेक्टर्स के साथ खेल सकते हैं, जो पांचों मेन करेक्टर हैं ड्रैगन बॉल सीन के। आई नो इसमें काफी और भी करेक्टर्स हैं, लेकिन पांचों मेन जो सुपर पावर करेक्टर्स हैं उन सबको हम लोग यूज कर सकते हैं गेम के अंदर। एंड उस आर्केड मोड के अंदर हम लोग उनके एक्चुअल पावर्स के साथ खेल सकते हैं बीजीएमआई और पबजी वर्ल्ड के अंदर। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि पबजी वर्ल्ड के अंदर आज के दिन ये अपडेट आ चुका है, प्लेयर्स इसको खेल सकते हैं एक्चुअली इन करेक्टर्स को यूज करते हुए, इनकी पावर्स को यूज करते हुए। काफी बढ़िया लग रही है चीज, मैंने खुद ट्राई की है, आप लोगों को भी चीज ट्राई करनी चाहिए या फिर जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो एंड बीजीएमआई के अंदर ये चीजें काफी ज्यादा जल्दी आ जाएंगी। फिलहाल के लिए ये आर्केड मोड के बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल्स को नहीं पता होगा, एंड ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपके इन पांचों करेक्टर्स में से फेवरेट कौन सा है, किसको आप लोग ट्राई करने वाले हो ये भी बताना। बीजीएमआई एंड पबजी वर्ल्ड के अंदर एक काफी कमाल का स्पेशल मोड में करेक्टर देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम होने वाला है शेनोम, में भी इसका यही नाम है या फिर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर देना। लेकिन ये ड्रैगन जैसा एक काफी ओवर पावर करेक्टर हमें गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, एंड इसको लेना भी इतना आसान नहीं रहने वाला। बेसिकली जब भी हम इस करेक्टर को समन कर पाएंगे, जिसका जो पूरा प्रोसीजर है आपको पता लग जाएगा, लेकिन जब भी हम इसको समन करेंगे हमें तीन पावर्स मिलेंगे, एंड उन पावर्स को हम लोग गेम के अंदर एक्चुअली यूज कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा कूल लगती हैं। लेकिन ये भी नहीं रहने वाला है कि वो तीनों की तीनों पावर्स को कोई भी यूज कर सकता है। देखो आपको तीन पावर्स के लिए ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है आप लोग दो को यूज कर पाओ, हो सकता है आप लोग तीनों को कर पाओ, या फिर हो सकता है आपको सिर्फ एक ही यूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ये पूरा लक पे डिपेंड करेगा, इसके जो करेक्टर को समन करने का प्रोसीजर सबको वही फॉलो करना पड़ेगा जितना लंबा प्रोसीजर है, लेकिन पावर्स आप लोग कितनी यूज कर पाओगे वो डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर। तो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। एंड एक और चीज पता है, जब आप लोग इस करेक्टर को समन करने वाले होंगे तब आप लोग बॉल्स को कलेक्ट कर रहे होंगे, इसका जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उस समय पूरे मैप में आपकी पोजीशन लोगों को पता लगने लग जाएगी कि ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप पे पूरा गंदा रश होगा। तो समन करना इस करेक्टर को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, एंड मुश्किल इस वजह से क्योंकि जो उसकी पावर्स है वो भी बहुत ओवर पावर कर देंगी आपके प्लेयर को एंड आपके करेक्टर को। क्या है आगे देखेंगे। जब पावर्स की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो गेम के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी ऐड होगी, जिससे आप लोग पावर्स को यूज कर सकते हो। आपकी जो स्पेशल विशेष होंगी, आपकी जो स्पेशल पावर्स होगी उनको आप लोग यूज कर पाओगे, एंड ये कुछ पावर्स रहने वाली हैं जो इतना कूल लग रही हैं देखने के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात है कि करेक्टर को ओवर पावर कर देंगे, आप लोग उड़ सकते हो हवा के अंदर, आप लोग फाइट ले सकते हो, आप लोग कुछ भी कर रहे हो। लाइक कभी सोच के देखा था कि ऐसी पावर जिसके अंदर आप लोग हाथ से लेजर निकाल रहे हो, बेसिकली ये ड्रैगन बॉल सीन्स की पावर है। एंड अगर आप लोगों ने उनके एनिमे देखी है तो आपको पता भी होगा उसके बारे में। बेसिकली मैंने एक्चुअली एनिमे नहीं देखी है, मैंने कार्टून में देखी थी जब कार्टून नेटवर्क वगैरह पे आता था, लेकिन मैंने एनिमे नहीं देखी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एनिमे देखता नहीं हूं, मैं एक्चुअली बहुत हार्डकोर एनिमे फैन हूं, बट ड्रैगन बॉल सीन यार इतना लंबा है वो देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो आप लोगों में से जिसने देखी होगी वो समझ पाएगा, बट कार्टून में देख के भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या चीज है। ये पावर्स हम लोगों ने ड्रैगन बॉल सीन में एक्चुअली देखी है। एंड फन फैक्ट, हम लोग गेम में इसको रियल में यूज करने वाले हैं, तो आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड तीनों पावर्स में से सबसे बेस्ट आपको कौन सी लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। गेम के अंदर हीलिंग फ्यूल नाम का एक नया रिकवरी आइटम ऐड होने वाला है, जिसको अगर आप लोग यूज करते हो तो आपके हेल्थ का जो बार है वो पूरा फुल हो जाएगा। मतलब आप लोगों को जितना भी डैमेज क्यों ना हुआ हुआ आपके हेल्थ का बार पूरा फुल हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से जैसे आप लोग ड्रिंक्स पीते हो, ना कि सेफ्टी बैंडेजेस को यूज करते हो। हेल्थ किट यूज करने के बाद आप लोगों की जो हेल्थ है वो पूरी हो जाती है 75% तक। लेकिन इस वाली हेल्थ किट का काम ये रहेगा कि जो आप लोग अपनी ड्रिंक्स पी के हेल्थ ऊपर वाली पूरी करते हो ना, ये उसको पूरा कर देगी, मतलब आपका हीलिंग होता रहेगा लगातार, एंड इससे आप लोगों की हेल्थ काफी जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा नया आइटम ऐड होने वाला है गेम के अंदर। याद है आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गेम के अंदर एक काफी खतरनाक क्रिएचर ऐड होने वाला है, ये अगर आप लोग इसको समन कर सकते हो तो इसको करना कैसे है, उसके लिए भी गेम के अंदर एक काफी कमाल की एबिलिटी ऐड होने वाली है जिसका नाम है ड्रैगन रेडार। एंड ये काम करेगा आपको बताने के लिए कि गेम में किस किस जगह पे बॉल्स हैं जहां पे आप लोग इनको कलेक्ट कर सकते हो जाके। एंड जैसे जैसे आप लोग इनको कलेक्ट कर लोगे, आप लोगों को बेसिकली टोटल 7 बॉल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड फिर एक स्पेशल लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहां पे आप लोगों को इनको डालना पड़ेगा, उन बॉल्स को जगाओ। एंड जैसे ही आप लोग इस प्रोसीजर को कर लोगे, आप लोगों के सामने ये खतरनाक करेक्टर समन हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये बहुत मुश्किल काम रहने वाला है, क्योंकि आप लोग पे गंदे रश होंगे जब आप लोग इस चीज को कर रहे होंगे। तो काफी कूल रहने वाला है, काफी बढ़िया रहेगा। लेकिन जिसने भी उस सिचुएशन से निकल लिया एंड इनको समन कर लिया, उनको 3 अबिलिटीज मिलेंगी, डिपेंड करता है 1, 2, 3 में से कितनी आपको मिलती है, लेकिन इन
एबिलिटीज को आप लोग अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो, जैसे जैसे रिचार्ज होती जाएंगी एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। इसके बाद खतरनाक सफाई तो आप लोग मचाओगी। आने वाले अपडेट में गेम के अंदर एक फ्लाइंग व्हीकल ऐड होने वाला है जो कि काफी बढ़िया रहेगा। स्पेशल मोड व्हीकल रहेगा नो डाउट ये ड्रैगन बॉल सीन का, लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक व्हीकल रहने वाला है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर से लंबे पहाड़ आ रहे हैं या फिर नीचे कोई टनल आ रही है, क्योंकि आप लोग उड़ते हुए जाओगे एंड पूरी गेम के अंदर आप लोग कहीं से कितनी भी जगह पे जा सकते हो बहुत ज्यादा जल्दी, क्योंकि उड़ने वाला व्हीकल है एंड काफी फास्ट इसकी स्पीड रहने वाली है। स्पेशल बिल्टी के साथ भी आएगा, इसमें बूस्ट एंड टर्बो मिलेगा। जब स्पेशल मोड की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो यार आपको क्या लगता है गेम के अंदर स्पेशल लोकेशन ऐड नहीं होंगे क्या? बिल्कुल ऐड होने वाली है, काफी कमाल की स्पेशल लोकेशन गेम के अंदर है एंड भाई उन वाली लोकेशन को हॉट ड्रॉप बन जाएंगे, क्योंकि वहां पे जैसे आप लोग लैंड करोगे अलग अलग टाइप के खतरनाक रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। बेसिकली रिवॉर्ड का मतलब यही है कि आप लोगों को वहां पे लूट बहुत ही गंदी मिलेगी एंड इस वजह से आने वाले अपडेट की स्पेशल ड्रॉप लोकेशंस ये रहने वाली है, जिसके अंदर बहुत ही गंदा रश होंगे, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तबाही मचेगी एंड आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल एबिलिटी या फिर ऐसा तो नहीं रहने वाला है कि अगर आप लोग एक बार मर गए तो आप लोगों को फिर से लाइफ मिल जाएगी या फिर कुछ इस टाइप का, लेकिन ये है कि इन पे रश काफी गंदे होने वाले हैं एंड यहाँ पे बहुत अच्छी लूट मिलेगी, तो ये बेनिफिट रहेंगे स्पेशल लोकेशंस के। एंड गेम के अंदर एक काफी कमाल की नई गन ऐड होने वाली है जिसका नाम है ACE-32। बहुत ज्यादा ओवर पावर गन रहेगी क्योंकि ये 7 की एमओ की गन है, समझ रहे हो, 7 की एमओ की गन एंड ये बहुत ओवर पावर गन रहने वाली है। एंड इसके अंदर आप लोग देख सकते हो 7 अटैचमेंट्स लग सकती है, मतलब स्टेबिलिटी से लेके दूर तक की रेंज आपको हर एक चीज मिलने वाली है इस गन के अंदर, बहुत ओवर पावर गन रहेगी। एंड ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये वाली गन कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेशल मोड की नहीं है, गेम के अंदर एग्जिस्ट करेगी, आने वाले टाइम के अंदर भी रहने वाली है एंड इससे गेम के मैकेनिज्म एंड गेम की गेम में सारी चीजें चेंज हो जाने वाली है। तो किस तरीके से यूज होगा कॉम्पिटेटिव में भी देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं कितनी पावरफुल रहती है। मेरे हिसाब से ओवर पावर रहेगी, बस देखना ही होगा रिकॉइल इसका क्या। फाइनली बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स के बारे में, जो 2.7 के अपडेट में हमें गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत टाइम के बाद बेसिकली हमें BGMI के अंदर नई अचीवमेंट्स देखेंगे एंड ये लकी मैन से मैंने इनकी लीक्स ली है, तो बेसिकली आपको उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उन्हें भी। पहली अचीवमेंट जो ऐड होगी उसका नाम है वंडर आर्किटेक्ट, काफी कमाल की अचीवमेंट रहने वाली है। गेम के अंदर जो स्पेशल मोड आएगा बेसिकली ये एग्जिस्ट करने वाला है। इस मोड का काम ये रहेगा कि आप लोग मैप्स बना सकते हो गेम के अंदर एंड उन मैप्स को आके नए नए लोग खेलेंगे एंड अगर आप लोगों के मैप काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि लोगों को वो मैप पसंद आ रहे हैं, तो आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स इसके अंदर काफी अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्लासिक क्रेट कूपन आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, जो कि एक्चुअली बढ़िया रिवॉर्ड है यार, मेरे हिसाब से बहुत सही रिवॉर्ड है क्योंकि आजकल अचीवमेंट्स में नहीं मिलते हैं, लोग BP वगैरह पकड़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्लासिक क्रेट कूपन मिलना बड़ी बात। एंड एट लास्ट इसके अंदर आप लोगों को स्पेशल टैग या बैच आप लोग कह सकते हो मिलेगा, जो कि ओके है क्योंकि बहुत लोग इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि आजकल कॉन्करर या इसका यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज आप लोग देख सकते हो क्लासिक क्रेट कूपन है, काफी अच्छा रिवॉर्ड मुझे पर्सनली लगा। सेकंड अचीवमेंट जो ऐड होगी उसका नाम है विश ट्रू, आप लोग देख सकते हो काफी बढ़िया अचीवमेंट ये वाली रहने वाली है, क्योंकि इसमें भी हम लोगों को क्लासिक क्रेट कूपन मिलेंगे जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है, जो रिवॉर्ड इस बार हमें मिलने वाले हैं क्लासिक क्रेट कूपन। एंड नीचे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को एक बैच भी मिल जाएगा, टीम से रिलेटेड बैच रहने वाला है क्योंकि एक कंबाइन अचीवमेंट रहेगी, बट ओवरऑल ठीक है ये वाला, मुझे सही लगा, आपको कैसा लगा बताइएगा। एंड बेस्ट अचीवमेंट जो मेरे हिसाब से पर्सनली ऐड होने वाली है उसका नाम है सुपर वॉरियर, ये पूरी की पूरी डिपेंड करने वाली है हमारे ड्रैगन बॉल सीन के अपडेट में, 2.7 के अपडेट में ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर 2 बार क्लासिक क्रेट कूपन मिलने वाले हैं, अमेजिंग अचीवमेंट है एंड सबसे बढ़िया है कि इजीली कंप्लीट होने वाली अचीवमेंट है। आप लोग ड्रैगन बॉल सीन का मोड खेलोगे, जैसे जैसे आप लोग बॉल्स को कलेक्ट करोगे, समन करोगे ड्रैगन को, आई नो रश होगा, मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट गाइस आप लोगों को अच्छी क्लासिक क्रेट कूपन मिलने वाले हैं, इन लोगों ने रिवॉर्ड इसके अंदर अच्छे लिखे हैं जो मुझे पर्सनली काफी सही लगा। लास्ट में एक और अचीवमेंट भी ऐड होगी जिसका नाम है अनलिमिटेड फैक्शन, आप लोग देख सकते हैं इस वाली अचीवमेंट को। इसके अंदर हम लोगों को अवतार मिलेंगे, अलग अलग अच्छे अच्छे अवतार मिलेंगे, जो कि ओवरऑल ठीक लग रहा है मुझे, देखने में काफी कूल लग रहे हैं अवतार, लेकिन इतना कौन यूज करेगा अवतार को, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो इस हिसाब से मेरे को सबसे अच्छी अचीवमेंट इससे पहले वाली लगी थी सुपर वॉरियर, बट अगर सबसे क्रिएटिव और सबसे खतरनाक टाइप के गिफ्ट देखो तो आप लोगों को अनलिमिटेड फैक्शन के अंदर मिलने वाले हैं, जिसके अंदर अवतार हमें मिलेंगे एंड काफी कूल टाइप के लग रहे हैं जो कि है। तो देखते हैं जब गेम के अंदर आते हैं ये कैसा रहने वाला है। फिलहाल ये 4 अचीवमेंट्स ऐड होंगी BGMI के अंदर बहुत ही जल्दी एंड आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एट लास्ट हम लोग देख लेते हैं रिडीम शॉप के रिवॉर्ड, जो कि काफी बढ़िया ऐड होने वाले हैं BGMI के अंदर 2.7 के अपडेट में। आप लोग देख सकते हैं काफी नए रिवॉर्ड्स हमें ऐड होते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी के लिए रिडीम शॉप तो भाई मैं बोलू कुछ है ही नहीं उसके अंदर, क्या नया लें, कुछ बढ़िया है ही नहीं। बट एट द सेम टाइम BGMI में 2.7 के अपडेट के बाद ये वाली प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाने वाली है। तो आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग अच्छे से इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो गाइस ओवरऑल ये कुछ कमाल के फीचर्स एंड अपडेट्स हैं जो बहुत ही जल्दी हमें BGMI में देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो पे एक लाइक देना बनता है। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम चेंगो, बाय।